कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमारी फोन लाइन खुल चुकी है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर ये फोन नंबर देख सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 01412704999 और 01412704098। तो यदि आपको भी कोई न्यूरो संबंधी समस्या है या आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भी डॉक्टर आपसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले डॉक्टर मनोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि आजकल ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, नेक पेन होना, टांग दिया जाता है कि बैठने से हो गई होगी या बहुत देर तक हम लेटे रहे या बैठे रहे, कितना सच है, कितना मिथ है और किस तरह समय से लेना चाहिए? कैटेगराइज करते हैं कि बैक पेन क्या बड़ों में ही होता है, इसकी स्टेजिंग है। बच्चों में बैक पेन हो सकते हैं, एडल्ट्स में भी हो सकते हैं और ओल्ड एज में भी हो सकते हैं। अब बच्चे तो खेल भी ज़्यादा करते हैं, इसके बावजूद बच्चों में अगर दर्द है तो हमें इसे थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो जन्मजात बीमारी हो सकती है। कई बार बच्चों को नसें आपस में जुड़ी रहती हैं जिसकी वजह से बच्चों का चलने में टेढ़ापन होना, बैक पेन होना, इसलिए तुरंत डॉक्टर से संपर्क उसके लिए करना चाहिए। सेम चीज़ फिर एडल्ट्स की बात करते हैं, ओल्ड एज में बात करते हैं। कई लोगों को ये मिथ है ओल्ड एज में कि हमारी जैसे जैसे एजिंग होती जा रही है तब उन्हें दर्द होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन की वजह से, कई बार नसों के दबाव की वजह से बैक पेन होते हैं। तो हम बैक पेन के कारण समझो तो कई बार हमारी जो उनमें से एक बहुत बड़ा कारण है पोस्चरिंग करना। कई बार हम एक घंटों एक ही पोजिशन में रह जाते हैं जिसकी वजह से जब हम उस पोजिशन से उठते हैं तो हमें बैक पेन महसूस होता है, वो एक अलग कारण है। जैसे इसीलिए हम कहते हैं कि हमें बहुत रूटीनली अपने हाफ एन आवर में पोस्चर चेंज करनी चाहिए। बट बैक पेन के न्यूरोलॉजिकली और कैसे कारण हो सकते हैं वो हमें समझना जरूरी है। वन एक कारण है जिसमें से कि डिस्क प्रॉब्लम जिसे हम बोलते हैं, डिस्क डिजीज हम जिसे बोलते हैं, कई बार वो डिस्क जो है अनयूजुअल वेट उठाने की वजह से प्रॉपर सही तरीके से नहीं बैठने की वजह से, जिम में भारी सामान या भारी वेट गलत तरीके से उठाने की वजह से हमारी डिस्क निकल जाती है, जिसकी वजह से नसों पे वो दबाव डालती है, जिसकी वजह से वो दर्द जो है बैक से होता हुआ नीचे पैरों की तरफ मूव करता है, जिसको हम रेडिकुलर पेन के नाम से जानते हैं और दूसरी भाषा में उसको सियाटिका के नाम से भी हम प्रोनाउंस करते हैं कई बार। अब लोगों को इसके बारे में मिथ है कि बैक पेन, कई बार मरीज हमारे पास आते हैं, कई बार न्यूरोलॉजिकली डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिसिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं, गाँव में किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास जाते हैं, तो बोलते हैं मेरे को दर्द पीठ में है, बट जब डॉक्टर्स हमने दिखाया या मेरे पैरों में दर्द है, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि आपके पीठ में ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा उनको मिथ रहता है कि जब दर्द हमारे पैरों में हो रहा है तो हमारे पीठ में डॉक्टर ऑपरेशन के लिए क्यों बोले? बिल्कुल डॉक्टर मनोज, जिस पे आपसे जानकारी और लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपने बात की कि आजकल देखिए जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है और काफी लोग जिम जाते हैं। आपने कहा वेट उठाना, यानी कि जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बातें ऐसी की जाती है, वेट ट्रेनिंग की बात की जाती है, वो नहीं करनी चाहिए? नहीं, मैंने बिल्कुल इस चीज के लिए नहीं कहा कि वेट नहीं करना, वेट प्रॉपर ट्रेनर के सुपरविजन में जैसे आपको गाइड किया जाता है वैसे उठाना। कई बार न्यू कमर्स होते हैं, वो जल्दी अपनी बॉडीज को फ्लश करने के लिए गलत तरीके से वेट उठाते हैं या फिर जो YouTube वीडियोज हैं उनको देखते हैं लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। तो अपन को जो वेट उठाना है प्रॉपर जिम इंस्ट्रक्टर के तरीके से उठाना, जो आपको इंस्ट्रक्ट किया था उस तरीके से वेट उठाना प्रॉपर तरीके से। बिल्कुल, और बिल्कुल भी इस चीज़ से प्रभावित नहीं होना कि हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है या हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना है। डॉक्टर साहब, आपने कहा जैसे ही इस तरह के दर्द की बात आती है डॉक्टर के पास आम जनता जाती है तो एक वर्ड जो बहुत कॉमन होता है MRI। जैसे ही MRI का नाम सुनते हैं हर कोई घबरा जाता है और इस तरह की एक अपने आप एक अजम्पशन दिमाग में आ जाता है कि पता नहीं कौन सी फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या क्या पता कोई पैरालाइज ना हो जाए, पता नहीं चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। कितनी सच्चाई है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो इस तरह की सर्जरी सजेस्ट करते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी हो सकती है? देखिए, बहुत बड़ा मिथ है मरीजों को लेके इस बारे में कि हमारा जब बैक पेन होता है हर बैक पेन में सर्जरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है उसके लिए कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें MRI एक इन्वेस्टिगेशन होती है जिससे कि हम नसों के दबाव के बारे में पता लगा। डॉक्टर मनोज, एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, आइए बात कर लेते हैं। हेलो, बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर, में नाम बताएं आपका। जी, मेरा नाम बीपी शर्मा है, मैं हापुड़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो मैं वैसे डायबिटिक हूँ 24 साल से, लेकिन मेरी पूरा कंट्रोल रहती है जी। तो मैं मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मेरा पैरों झंझनाहट रहता है, जैसे जब तक महसूस होता है जैसे हम गत्तों पर चल रहे हों जी, और ये एक डेढ़ साल तक प्रॉब्लम जाता है। आपने इसके लिए किसी डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कभी आपकी इस बारे में बात हुई है? हाँ, बात हुई है, तो डॉक्टर ने कहा कि अपने आप ही धीरे धीरे आपकी आप तो कंट्रोल में थे तो धीरे धीरे ठीक हो।
कई बार नसों में दर्द, नसों में जंगेना डायबिटीज की वजह से हो सकती है, पर हर बार डायबिटीज की वजह से नसों में दर्द हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। पहले आपने, अगर आप बोल रहे हैं शुगर कंट्रोल है, उसके बाद भी अगर आपको झंझनाहट हो रही है, तो इट कुड बी अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये न्यूरोलॉजिकल हो सकता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ नसों में झंझनाहट के लिए आपको होल स्पाइन की एक बार MRI करानी चाहिए, गर्दन से लेकर नीचे कमर तक के लिए। उसमें देखना होगा कोई नसों में किसी डिस्क के निकलने की वजह से कोई कमजोरी तो नहीं आई है, तो वो अगर आप क्लियर कर पाए। और कई बार वाइटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी नसों में झंझनाहट करती है, तो वो भी आपको चेक कराना पड़ेगा। तो प्रॉपर आपका इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है, हार्मोनल एंड एज वेल एज MRI रेडियोलॉजिकल, दोनों इन्वेस्टिगेशन आप कराएं प्रॉपर तरीके से। किसी न्यूरो फिजिशियन से, न्यूरो सर्जन से आप कॉन्टैक्ट करें और उनसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा के अपनी बीमारी के बारे में पता लगाएं। जी, हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएं जिनको आप दिखाते हैं, और उनसे पूरा इन्वेस्टिगेशन करवाएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हम बात करें, जैसा इन्होंने भी कहा कि झंझनाहट होती है, बहुत कॉमन है। जैसे हम बहुत देर से काम करके उठते हैं तो कभी कभार लोगों को थोड़ी स्टिफनेस महसूस होती है, झंझनाहट महसूस होती है, इसका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्या कनेक्शन है? ये देखिए, अगर कई बार हम एक ही पोजीशन में, कई बार हम जैसे स्पेसिफिकली जो ऑफिस गोइंग पर्सन होते हैं, स्पेसिफिक उनमें युवा, जो युवा वर्ग है, उसमें एक प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि ऑफिस में वो घंटों एक ही पोजीशन में बैठते हैं, जिसकी वजह से नसों के एक पोजीशन में बैठने की वजह से जो अपने न्यूरल नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो होता है नसों के, जैसे अपने बॉडी के अंदर एक नर्व्स होती हैं वैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से खून का आदान प्रदान होता है। सेम थिंग विद द न्यूरोलॉजिकल ऑल्सो। तो जब एक पोजीशन में बैठते हैं तो नसें कंप्रेशन की वजह से वहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता, तो ऐसा लगता है कि हमारा पैर सो गया है, सुन हो गया। तो इसलिए कहते हैं, जैसे हम अपने मील को डिवाइड करते हैं कि स्मॉल मील लेनी चाहिए और फ्रीक्वेंट मील लेनी चाहिए, उसी तरीके से हमें अपने चाल में भी, अपनी पोजीशन में एवरी हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करनी चाहिए जिसमें हम बैठे हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, अभी आपने बात कही कि जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, नर्व्स की बात करी, तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक सवाल आया है जो आजकल हर तरफ उठ रहा है, वो है कोविशील्ड से जुड़ा। और जैसे कोविशील्ड की बात आ रही है, हर कोई अपना अपना अजम्पशन बता रहा है, अपने अपने भ्रम भ्रांतियां बता रहा है, कोविशील्ड लेने के बाद में हार्ट स्ट्रोक हो रहे हैं, हेमरेज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोविशील्ड को लेकर कितनी सच्चाई? क्योंकि दर्शक, हम आसपास भी देखें तो बहुत डर का माहौल है, वो TTS के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? मैं इस बात को पूरी तरीके से ही मानता हूँ। देखिए, किसी भी, कोई भी नई चीज आती है, कोई भी ड्रग्स होती है, इट्स लाइक अ फॉरेन बॉडी टू अवर ह्यूमन सिस्टम। तो उसी तरीके से जब वैक्सीन आते हैं, जब वैक्सीन जब आया भी नहीं था, उससे पहले भी बहुत लोगों को भ्रम था कि वैक्सीन लगाने के बाद हमें ये साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन ली और आज हम इस महामारी से अगर किसी भी प्रकार से जीत पाए, उसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। सेम टाइम वैसे कोविशील्ड के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, इससे हमें हार्ट अटैक आ जाएंगे, इससे हमारी नसें कमजोर हो, ब्लड का खून का थक्का जमना बहुत कॉमन ये चीज़ में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये साइड इफेक्ट्स जो आए हैं, जिसके बारे में बात होती है, वो मोस्टली उन पर्सन्स में आए हैं जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड्स होते हैं, जिनमें पहले से कई तरह की बीमारियां थी, स्पेसिफिकली डायबिटीज जिसको रही है, हाइपरटेंशन जिसको रही है, प्रीवियसली वो बहुत सारे मेडिकेशंस पे हैं या प्रीवियसली किसी चीज़ के लिए ऑपरेट हो चुके हैं, और जिनकी इम्यूनिटी डाउन थी, उनके अंदर साइड इफेक्ट्स थोड़ी मात्रा में दिखे गए हैं। लेकिन ये बहुत, जो साइड इफेक्ट्स की बात हो रही है, बहुत ही कम लोगों की, कम परसेंटेज में देखा गया है। जी बिल्कुल, और हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि यूट्यूब वीडियोज देखते हैं जहाँ पर बहुत यंग लोग हैं, वो अचानक से फेंट हो रहे हैं, और अचानक से हम देख रहे हैं कि वो दुनिया में नहीं रहे, तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है। डॉक्टर साहब, आप भी शायद इस बात से अग्री करेंगे कि हम नॉर्मल बॉडी चेकअप करवाते ही नहीं है, और जो बीमारी है उसका एज से कुछ कनेक्शन नहीं होता, किसी भी उम्र में कुछ भी हो सकता है, तो रेगुलर इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है, क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल बहुत आपने सही बोला, रेगुलर इन्वेस्टिगेट। देखिए, जैसे आपकी बॉडी जो होती है ना, आपको हमेशा सिग्नल्स देगी, अब कौन उस सिग्नल को जल्दी पहचान पाता है, उस चीज़ के लिए आप अपने आप को तैयार रखें। कई बार हम सोचते हैं कि बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, आप कॉन्स्टेंटली आपके पेन हो रहा है, फिर भी आप उसको ओवर द काउंटर्स जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। और इस पे चर्चा जारी रखेंगे। दर्शक जुड़े, डॉक्टर मनोज हमारे साथ में, भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू जुड़े हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका। हेलो डॉक्टर, मैं बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? शालू मैडम, मैं प्रदीप भोपाल से। मैडम, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, इसके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं? अपन टोटलिटी में देखें कि बॉडी में सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहा है, किसी भी तरह का न्यूरोलॉजी, तो उसके कॉमन फीचर्स क्या होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसकी वजह से अपन कहेंगे कि ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या वो प्रॉब्लम है नर्व से रिलेटेड? बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए हमारा दो कॉमन फीचर्स। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको हम कैटेगराइजली डिफाइन करते हैं कि न्यूरोलॉजिकली आपने
पूछा सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो हम इसको कैटेगराइज करते हैं ब्रेन में और स्पाइन में। तो स्पाइन में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे पेशेंट कई बार चलते हैं, चलते चलते उनके अगर बैक से दर्द होता हुआ पैरों की तरफ जा रहा है, जिसको हम इंग्लिश टर्म में, मेडिकल टर्म में रेडिकुलर पेन बोलते हैं। तो रेडिकुलर पेन होना, अगर लोकलाइज पेन है, सिर्फ बैक में पेन हो रहा है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ मसल स्पैज़म, इट कुड बी बिकॉज ऑफ पोस्चर रिलेटेड, बट अगर आपका दर्द कमर से होकर नीचे पैरों की तरफ जा रहा है तो इट डेफिनेटली अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो किसी न कभी नर्व इरिटेशन की वजह से हो सकता है, नर्व कंप्रेशन की वजह से हो सकता है। अब नर्व कंप्रेशन, नर्व इरिटेशन के कारण बहुत हो सकते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण है डिस्क डिजीज, जिसको हम प्रोलैप्स इंटरवर्टिबल डिस्क के नाम से मेडिकल टर्म में जानते हैं, या फिर कई बार यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है, जो स्पाइनल ट्यूमर्स में रिलेटेड में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन वो आपको सिम्टम्स अपने डॉक्टर से पहले एक बार डिस्कस करना चाहिए, डायरेक्टली यूट्यूब पे और गूगल पे जाके उसको सर्च नहीं करना। ये बहुत अच्छी बात की डॉक्टर मनोज की, आप यूट्यूब वीडियोस देखकर किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में किसी को सर दर्द है, कमर दर्द है, तो हर किसी के दर्द का कारण है वो अलग होता है, तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप चिकित्सीय परामर्श लें, गो टू अ स्पेशलिस्ट, अपने आपको डायग्नोस करवाएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। डॉक्टर जैसे हमने ब्रेन की बात की, हम नेक की बात करें, स्पाइन की, तो एक बहुत कॉमन वर्ड और है माइग्रेन। माइग्रेन के बारे में बताइए, कितना कुछ भ्रांतियां इससे जुड़ी, क्या सभी माइग्रेन स्ट्रेस की वजह से होता है या कंटिन्यूस स्क्रीन टाइम की वजह से होता है, या ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? मैं राइट नाउ जो आपने क्वेश्चन पूछा, माइग्रेन इज बेसिकली अर्बन बोन डिजीज, ये एक शहरी लोगों में ज्यादा देखा गया है, उसका बहुत बड़ा कारण है। तो जैसा आपने खुद ने बताया कि आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम अपना स्क्रीन जो करते हैं, मोबाइल पे शेयरिंग करते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है। जॉब रिलेटेड, कंटिन्यूसली जॉब रिलेटेड स्ट्रेस वर्क करना और अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, लाइक कंटिन्यूस स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज। इसके अलावा ड्रिंक हैबिट जो होती है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है माइग्रेन का। कई बार माइग्रेन जो है, सिर्फ हर सिर दर्द माइग्रेन हो ये जरूरी नहीं है, हर सर दर्द माइग्रेन हो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब आपसे। दर्शक जुड़े हमारे साथ में, नागौर से जुड़े हमारे साथ में रूप सिंह राठौर जी।